नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दो रंग का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद आप बॉर्डर वाले रंग के ऊन से ही सभी फंदे सीधे बना लें। डिज़ाइन का पहला लाइन सभी फंदे सीधे बना लें। डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से अब दूसरे रंग के ऊन से पहला फंदा स्लिप कर लिया जाएगा और 3 फंदा सीधा बुना जाएगा। 1, 2, 3, चौथा फंदा स्लिप किया जाएगा, अगला 3 फंदा सीधा बुना जाएगा। नेक्स्ट स्लिप किया जाएगा, फिर 3 फंदा सीधा। इन्हीं 4 फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। 1 फंदा स्लिप करना है और 3 फंदा सीधा बुनना है। 1 फंदा स्लिप करना है और 3 फंदा सीधा बुनना है। डिज़ाइन का चौथा लाइन और रॉन्ग साइड स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और सामने से अब अपने मेन कलर से 2 फंदा सीधा बना लेंगे और तीसरा फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप करेंगे। ये जो फंदा हमने स्लिप किया था तो अब इसी रंग के ऊन से बनाया जा रहा है, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे सीधे बना दिए जाएंगे और ये 3 फंदा जो दूसरे रंग के ऊन से बुना गया था, तो इसका बीच वाला फंदा हमें स्लिप करना है। और देखिए, ये फंदा हमने स्लिप किया था तो इसी रंग के ऊन से चूँकि हम बुनाई कर रहे हैं, तो ये फंदा और इसके दोनों साइड वाले फंदे तीनों सीधे बना लिए जाएंगे। और ये दूसरी रंग का जो 3 फंदा बुना गया था, तो ये बीच वाला फंदा स्लिप किया जाएगा। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का छठा लाइन और रॉन्ग साइड बुने हुए फंदे उल्टा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करते जाएंगे। डिज़ाइन का सातवां लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, अगला फंदा स्लिप कर लेंगे और 3 फंदा दूसरे रंग के ऊन से सीधा, यानी सातवां लाइन और तीसरा लाइन एक जैसा बनाया जाएगा।
तीसरे लाइन में भी हमने इन्हीं फंदों को स्लिप किया था और इन तीन फंदों को बुना था, तो वही हम इस लाइन में भी रिपीट करेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे और देखिए ये तीन फंदा बुना गया था, तो इस लाइन में भी ये तीन फंदे बुन लेंगे। इसी तरह एक फंदा स्लिप करते हुए और तीन फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। एट लाइन और रॉन्ग साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे। जब हम दूसरे रंग के ऊन से बुनाई कर रहे हैं तो फ्रंट से भी और बैक से भी दोनों साइड से हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, और जब हम अपने मेन कलर से बुनाई कर रहे हैं तो फ्रंट से सीधा और बैक से उल्टा बुनेंगे। आठ लाइन बनाने के बाद फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा, यानी कि सभी फंदे अपने मेन कलर से सीधे बना लिए जाएंगे। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनके तैयार है। एक रंग के ऊन से दो लाइन बनाने के बाद अगला दो लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।